आयुर्वेदिक होम ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो गर्मी को लेकर है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से एक बीमारी है घमोरियों की। जी हाँ दोस्तों, घमोरियाँ यानी आपके जो कमर है, कमर के ऊपर आपकी पीठ में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, जो घमोरियों का रूप ले लेती हैं। और ये घमोरियाँ जब पसीने के टच में ये आती हैं, जब हमारे शरीर में पसीना आता है, तो ये घमोरियाँ बहुत ज़्यादा चुभती हैं और हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, टीवी में आपने बहुत सारी ऐड के अंदर देखा होगा कि आप अपनी घमोरियों पे पाउडर लगा लीजिए और उससे आपके जो घमोरियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको घमोरियों से निजात पानी है तो उसके लिए आपको मैं एक घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना फ्रिज खोलिए, उसके अंदर से आप आइस क्यूब ले लीजिए और आपको ये आइस क्यूब अपनी घमोरियों पे लगानी है। याद रहे दोस्तों कि ये जो आइस क्यूब है आपको डायरेक्ट अपनी घमोरियों पे नहीं लगानी। आप कोई भी एक साफ कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप 4-5 आइस क्यूब के टुकड़े डालिए और उसको अपनी घमोरियों पर धीरे धीरे मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको जो घमोरियाँ चुप रही थी उसमें काफ़ी रिलैक्स आपको मिलेगा। यदि आप इसको 3 से 4 दिन, अगर आप दिन में 3 बार इसको कर लेते हैं, तो आपकी जो घमोरियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको कुछ और या कुछ दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक छोटा सा उपाय और है, वो उपाय बिल्कुल रामबाण इलाज है। यदि आपको घमोरियां हो गई हो और बरसात का मौसम हो, बरसात आ रही हो, तो आप उस बरसात के पानी में नहा लीजिए। आपकी जो घमोरियां हैं वो ऐसे गायब होंगी जैसे गधे के सिर से सींग। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखें और अपनी घमोरियों से निजात पाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इससे फ़ायदा होता हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करना। धन्यवाद।